सो गाइस, आज हम आए हैं सूरजकुंड मेला। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका बदरपुर बॉर्डर है, जहाँ से आप इलेक्ट्रिक रिक्शा करके आ सकते हैं। अगर 2 सीटर है तो 50 रुपीज़, और अगर 4 सीटर है तो 30 रुपीज़ के अराउंड चार्ज करेगा। टिकट काउंटर आपको वहाँ पे अवेलेबल है 120 रुपीज़ वीक डेज पे, 180 रुपीज़ वीकेंड पर। ऑनलाइन पर आपको 108 रुपीज़ के अराउंड पड़ जाएगा। एंटर करके देख सकते हैं आप। यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्वागत डांस प्रोग्राम से हुआ। डांस प्रोग्राम देखने के बाद हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी, जो कि हमें दिखाई दिया सबसे पहले मणिपुर 241 पे। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉल्स, कपड़े बहुत ही अच्छी वैरायटी में, पर थोड़ी सी रेंज मुझे ज़्यादा लगी। यहाँ पे बैम्बू का वर्क था। देखिए, लोग काफ़ी ज़्यादा पान के लिए एक्साइटेड थे। मैंने खुद नोटिस करा कि लोग पान पे ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे थे यहाँ पे। इसके बाद हम पहुँचते हैं मेघालय पे। मेघालय पर देखते हैं बैम्बू से रिलेटेड ज़्यादा वर्क था। फ्लावर वेज काफ़ी फेमस है वहाँ के, मेघालय के। और देख सकते कितना वर्क है यहाँ पे। नगाड़ा भी था, नगाड़ा भी बज रहा था, बट अभी तो डांस कर रहे थे। अगर हम मणिपुर स्टॉल पे गए, मणिपुर पे भी कपड़े थे। मणिपुर के बाद हम नागालैंड पे। नागालैंड पे रश आप देख सकते थोड़ा सा कम था, सिक्किम पे भी थोड़ा कम था। इसके बाद हम लोग ने सामने स्टॉल देखा, सामने प्योर वुड बैम्बू का था। आप चेक कर देते, ईच एंड एवरी आइटम जो है बैम्बू का, और काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसके जो रेंज है 2000 रुपीज़ तक थी, मैंने पूछा था। इसके बाद खाने के लिए बहुत अवेलेबल था वहाँ पे। लेमन सोडा, भेलपूरी, चार्जेस काफ़ी हाई थे। भेलपूरी 50, छोले भटूरे 100, पाव भाजी 120 के आराम। इसके बाद हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टर्न लिया, जो कि हमें ऊपर से यहाँ से एक थोड़ा सा शॉर्ट व्यू दिख रहा था अंदर और क्या क्या है। देखिए, बर्ड नेस्ट कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बर्ड नेस्ट मुझे अब तक के सबसे बेस्ट लगे थे सूरजकुंड मेला में, और यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि रश का। ये सूट्स वगैरह आप देख सकते हो 1500 से 2000 तक की रेंज में थे। जब मैंने इनसे पूछा था कि सबका कलेक्शन अलग मिलेगा, बट रेंज सेम ही रहेगा। इन स्टॉल्स पे रश था, पर कई स्टॉल्स खाली भी पड़ी थी। देखिए, यहाँ पे रेंज सेम ही है, आप जैसे देख सकते हैं। ये जो कारपेट्स वगैरह हैं, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हैं चीज़ के लिए। रेंज अगर मैं बात करूँ तो 3000-5000 तक में ही और भी एक्सटेंड हो सकता है चीज़ के लिए। फिर हम लोग गए मिज़ोरम में। मिज़ोरम के हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ पर्सेस वगैरह टंग रहे थे वहाँ पे। इसके बाद हमने देखा मिज़ोरम के स्टॉल के पास अब हमारा ट्री हाउस। ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव आइटम मुझे लगा, ट्री हाउस। देखिए, प्योर बैम्बू से बना हुआ है, प्योर, कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम टूनिशिया के स्टॉल्स पे पहुँचे, जहाँ पे देख सकते हैं ये भी सारा का सारा सामान पूरा वुड का था। आप चेक कर सकते हैं, और इनकी कॉस्ट 5000-7000 के अराउंड थी टूनिशिया की। फिर हम पहुँचे हैदराबाद पर्ल्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हर कलर के पर्ल्स मिलेंगे, हर वैरायटी थी, बट अगेन कॉस्टली था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सूट्स आपको दिख रहे हैं स्टॉल पे काफ़ी सारे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, कि चेन्स भी बहुत पसंद कर रहे थे। इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं जिम्बाब्वे के फॉर्मर्स का डांस, ये भी काफ़ी फेमस था, देख सकते हैं आप। मुझे भी काफ़ी अच्छा दिखाई दिया। इसके बाद हम लोग चले अपने नेक्स्ट पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो कलेक्शन है बेड शीट्स का दिख रहा है आप पे। ये बेड शीट की चार्जेस अब देखेंगे तो अगेन ये 2000-3000। फिर ये आइसक्रीम, इन्होंने भी काफ़ी भीड़ इकट्ठी करी हुई थी। ये लोग देख रहे थे कि इस टाइप से क्या बन रही है आइसक्रीम। छोटे छोटे स्टॉल्स आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे, लोग इन्जॉय करते दिखेंगे। अगेन यहाँ पे कारपेट के स्टॉल्स हैं। ये इथोपिया का स्टॉल था, यहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, बट मैंने कोशिश करी तो यहाँ पे जनरली कारपेट्स वगैरह ही दिख रहे थे, और कुछ अवेलेबल था नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज वगैरह दिख रहे थे। आप जनरली देखो ये टंग रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सुंदर है चीज़ें। देखिए यहाँ पे लोग भी कितने भीड़ लगा के खड़े हुए हैं चीज़ के लिए। इसके बाद जो हम पहुंचे थे जाम्बिया के, आप देख सकते हैं बैग और फेस मास्क काफ़ी अच्छे थे, टी शर्ट्स भी थी। और इनके जो प्राइस अगर मैं बताऊं तो 5000 अगेन 6000 तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कितने अच्छे लग रहे हैं। ये अगेन वुड का सामान है, ये नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, बट लुक अच्छी आ रही थी चीज़ के लिए। फिर हम गए कुछ पेंटिंग्स देखने, देखिए पेंटिंग्स ये। फिर हम सऊदी अरेबिया के स्टॉल पे गए, सऊदी अरेबिया स्टॉल पे आप देख सकते हैं यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है काफ़ी कुछ, देखिए कितने अच्छे ऑर्नामेंट ज्वेलरी। और ये कैमल की जो रेंज थी 5000 के अराउंड था वहाँ पे। इसके बाद हम देखे स्टॉल्स वगैरह देखने, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आप देखेंगे फ्लावर पॉट्स वगैरह छोटे मिल रहे थे आर्टिफिशियल, ये आपको ईजिली मार्केट में भी मिल जाते। सूट्स के लिए लोगों का रश काफ़ी था, वुमेंस यहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो मिल जाते हैं यहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ मिल जाती है यहाँ पे। सेल्फी पॉइंट्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। वॉचेस देख सकते हैं, वॉचेस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पहुँचे थे वो हमने चेक किया था ये वुडन आइटम्स, हो ये वुडन आइटम आप चेक कर सकते हैं, वुडन ट्रॉली टेक इवन जो मसाले कूटने के, ये सब प्योर वुड के बने हुए थे उनके। सो गाइस अब वीडियो बाकी है, सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, सो तब तक लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।